तीसरा मेथड है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, इसे स्वाट हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। इसका सूत्र है क्या करने का, एम प्लस बी प्लस एफ प्लस बी माइनस सी। एम मतलब आपके रॉ मेटल कच्चा माल, कितना कितने दिन तो रखा जाता है आपके स्टॉक के रूप में वो। डब्ल्यू मतलब होता है आपके वर्किंग प्रोग्रेस, मतलब उत्पादन के बीच में होता है चक्र वो वाला, प्रोडक्शन कितना हुआ, और निर्मित माल ये कहते हैं उसे कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस भी कहते हैं। वर्क अभी भी प्रोडक्शन के चक्र में चल रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है वो। और एफ है आपके कितना माल बन गया है, ये तो माल बनाने से पहले, ये माल बनाने के बीच की प्रक्रिया जब माल बन रहा है, और ये है माल बनाने के बाद। अब डेटर मतलब कितने दिन तक उधार का पैसा रखते हैं हम, या हम कितना रखते हैं या दूसरे कितने रखते हैं, ये आपको ध्यान, ये देते हैं डेटर के लिए, डेटर पैसा कितने दिनों में हमारे पास आ जाता है। और सी मतलब क्रेडिटर पैसा कितना हमारे कितना हम दे देते हैं, ये डीटीआर सीटीआर वाला ही है लेकिन थोड़ा चेंज इसमें डे लिखे, डे मतलब आपके वो हो जाएंगे 365 दिन बटा डीटीआर, और ये हो जाएगा 365 बटा सीटीआर। आपको एवरेज यानी कि एवरेज कलेक्शन पीरियड है, और ये है एवरेज पेमेंट पीरियड, जो आपको अनुपात वाले पार्ट से बाहर से करते थे सेम वही है आपको यहाँ करना। अब है आपके अगला पॉइंट है जो वो अगला सेकंड स्टेप है, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल निकालने, एक साइकिल में कितने होते हो, ये सब आपके दिन है, ये सब आपके डेज है। अब माल उत्तर आया आपके 60 दिन हम माल लो, यहाँ कितना है 365 है, तो इसमें भाग देकर उत्तर आएगा 6 4, मतलब ये कि हम ये सारी चीजें जो भी ऑपरेटिंग साइकिल है वो आपके 6 बार पूरा हो जाता है एक साल में, तो भाग देंगे 6 का तो 6 के आसपास आएंगे पॉइंट। अब इससे याद कर वर्किंग कैपिटल कैसे याद करते हैं, ऑपरेटिंग खर्चे बोल दो या कह सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कुल मिला के आपको ये जो चीज इतनी है वो कैसे याद होगी, आपके सेल्स में से माइनस कर देंगे एक्सपेंसिव, चाहे वो वेरिएबल है चाहे वो फिक्स्ड है, सारे सारे इसे आप चाहो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल सकते हो, मतलब लाभ नहीं होना चाहिए, लाभ के अलावा अन्य सारे खर्चे आपको यहाँ आ जाएंगे ऊपर, बटा नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल भाग देंगे तो आपके एक अमाउंट ज्ञात हो जाएगा, वो अमाउंट क्या हो जाएगा आपके वर्किंग कैपिटल है। अगर इसके अंदर संभावना भी है आगे कि 10% बढ़ सकता है 20% बढ़ सकता है तो अंदर जोड़ दें, संभव नहीं है जोड़ने की आवश्यकता नहीं, इसको ऐसा लिखो तो भी चलेगा और ऐसा लिखो तो भी चलेगा, एक ही बात है। तो ऑपरेटिंग साइकिल ऊपर है, ऑपरेटिंग खर्चा ये तो ऊपर ही है। अब ये वाला जो हमें देखो हम लगा रहे हैं नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल लगा रहे हैं, ये इसको उल्टा कर गया नीचे लगा दो तो उल्टा हो गया ऑपरेटिंग साइकिल 365, इसका मतलब क्या होता है नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल होता है, इसको उल्टा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, कैसे है ऑपरेटिंग खर्चा बटा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ क्या नाम है ऑपरेटिंग साइकिल, इसको ऐसे कर दो अलग कर दो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन 1/1 हो जाएगा आपके नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। अब ये तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ये इनटू 1/1, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है 365 बटा ऑपरेटिंग साइकिल, उल्टा कर दो आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनटू ऑपरेटिंग साइकिल बटा 365 प्लस कंटेंजेंसी है, कंटेंजेंसी मतलब संभावना है वृद्धि दर कितना बढ़ सकता है उसके अंदर लिखा हुआ आएगा, परसेंटेज में है या भिन्न में है, इस पर है या उत्तर पर है, ये भी आपको आएगा लिखा हुआ। अब ये देखो पहले सिंपल सीख लो कैसे करते हैं क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, इसमें आपके दिन दे रखे हैं 365 दिन आपको काम में लेने, नंबर 2 सेलिंग प्राइस दे रखी है, यूनिट दे रखी है 5 लाख की, मतलब रॉ मटेरियल दे रखा है, लेबर दे रखा है, ओवरहेड दे रखा है, इन सबको लेकर हम क्या बनाएंगे, हम याद करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आपके वर्किंग कैपिटल याद करते समय आपके क्या आएगी काम आएगा। यूनिट है आपके 5 लाख तो गुणा करते हैं किससे, 2 और 1 3, हाँ ये तो सेलिंग प्राइस है, हमें तो एक्सपेंसिव लेने, तो 1 रुपया ये रहा 0.4 ये रहा, 1 + 0.4 + 0.35 ये हो जाएगा 1.75 रुपये। देखो अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड याद करना है कैसे याद करेंगे, यूनिट है हमारे पास 5 लाख का, इनटू गुणा कर देंगे एक्सपेंसिव से, कौन कौन एक्सपेंस, 1 रुपया 0.4 रुपये और 0.35 रुपये, सब गुणा करेंगे इनटू 5 लाख, गुणा कर लो
ये हो जाएगा आपके 8,75,000 जो आपके यहाँ काम आएगा वर्किंग कैपिटल ज्ञात करते समय। आपको सबसे पहला पॉइंट ये ज्ञात करना है क्या नाम है ऑपरेटिंग साइकिल सूत्र क्या क्या करने का हो जाएगा एम प्लस डब्लू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी। एम मतलब रॉ मटेरियल कच्ची सामग्री कितने दिन तक रखी जाती कच्ची सामग्री आपके 36 दिन। डब्लू मतलब अभी चल जहां काम हो रहा है प्रोडक्शन हो रहा है मतलब ये आ गया आपके प्रोडक्शन साइकिल तो 5 चक्र जहां काम होता रहता है हर वक्त कितना हो जाएगा आपके 18 दिन। एफ मतलब माल कंप्लीट हो गया निर्मित माल फिनिश गुड्स ये रहा कितना देर का आपके 15 दिन। डी मतलब डेटर उधार ग्राहक कस्टमर कितना देर का है 45 दिन। सी मतलब सप्लायर क्रेडिटर क्रेडिटर का जो सप्लाई करते जो हमें माल सप्लाई करता है क्रेडिटर कितना देर है 60 सब ऐड करो 36 + 18 + 15 + 45 - 60 ये हो जाएगा कितना दिन आपके 54 दिन। अब हम याद करेंगे क्या नाम है अगला पॉइंट ये नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कितने साइकिल हुए हमें याद करना है नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कैसे याद करेंगे बताओ 365 / ऑपरेटिंग साइकिल 365 कितना देर बताओ ये दे रखा है आपको 54 का भाग दो 365 / 54 कर देंगे ये आ रहा है आपके 6.676 ये हो जाएगा नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कितने हो जाएंगे 6.76। अब आओ क्या करें वर्किंग कैपिटल याद करनी याद करो कितना दे रखा है आपके ऑपरेटिंग खर्चा कितना अभी हमने याद किया था 8,74,000 बटा नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कितना हमने अभी याद किया था 6.76। पहले ये याद करो किसने कहा 1/3 बार क्या है आपके वर्किंग कैपिटल का 1/3 बार क्या है आपके कंटेंजेंसी है संभावना है क्या करें पहले 8,74,000 का भाग देंगे 6.76 का ये होता है आपके 1,29,438 रुपए होते हैं। अब देखो इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्या ऐड करेंगे हम कंटेंजेंसी कितना वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल आगे हमारे पास इसका कितना लेना है आपको संभावना लेनी है कितनी कितनी संभावना है आपके पास 1/3 बार इसका 1/3 ले लो कितना दे रखा है 1,29,438 का 3 का भाग दो ये होता है आपके 43,146 और प्लस कर देंगे कितना 129,438 ये हो गया 1,72,583 रुपए। अब इसमें देखो ध्यान दो ये तो हमने शॉर्ट में किया यहां पर हमने पॉइंट लगा दिया 6.76 कर दिया लेकिन उत्तर ये नहीं था उत्तर क्या था 7.5 8 4 5 पीछे पॉइंट ही पॉइंट खूब सारे उसके कारण क्या थोड़ा सा उत्तर में फर्क आएगा कैसे अगर हम ये फॉर्मूला ले या फिर फॉर्मूला ही रखो पीछे क्या लगा खूब सारे पॉइंट लगा जितने पॉइंट दे रहे हो सारे सारे लगाएंगे तो उत्तर थोड़ा सा फर्क आएगा 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये का फर्क आएगा तो देखो कैसे करेंगे मतलब सीधा यही लगा ऑपरेटिंग खर्चा कितना ये दे रखा है 8,75,000 इंटू अब देखो आपके ऑपरेटिंग साइकिल कितना देखो ये कितना ऑपरेटिंग साइकिल नंबर कितना देगा 54/365 प्लस कंटेंजेंसी कितना आया आपके 1/3 ऑफ वर्किंग कैपिटल अगर 1/3 लिखो या लिख सकते हो 33.33% लिख सकते हो एक ही बात है 100 में 3 का भाग 33.33 आता है तो देखो यहाँ अब सीधा अब हम बिल्कुल पॉइंट जैसे हमने यहाँ पर 8.758 आया था मैंने 7-6 कर दिया अभी आपको चेंज नहीं करना लगातार निकालना है सीधा उत्तर आएगा कैसे देखो 8,75,000 इंटू 54/365 प्लस 33.33333333% ये हो जाएगा आपके 1,72,603 कैसे मतलब पहले इनको हल करो और पॉइंट एंटर को जो दे रखा है उन पॉइंटों को रहने दो प्लस 1/3 जोड़ लो या 33.33% लगातार जोड़ लो ये उत्तर आ जाएंगे और उत्तर को भी निकाल दोगे रहेगी अब दोनों बीच निकालना चाहते हो दोनों निकाल लो बस वो आपके पॉइंट के पीछे यहाँ क्या कम लेंगे उत्तर थोड़े कम आएंगे ज्यादा लेंगे ज्यादा आ जाएगा दोनों सेम ही है 50-100 रुपये का फर्क रहेगा या ज्यादा लिया है नहीं भाग लग रहा है यहाँ पर इसीलिए उत्तर कम आएगा गुणा होता नहीं तो ये उत्तर ज्यादा आता है
अब यहाँ 6.7 ज्यादा ले लिया, जितना ज्यादा भाग देंगे यहाँ संख्या कम हो जाएगी, इसलिए उत्तर यहाँ कम आया। और अगर ऐसा सीधा ले लिया पॉइंट को हमने लगातार रखा, तो फिर आपके ये पूरा आप ही उत्तर यहाँ भी निकाल सकते हो। बस यह आनी चाहिए 6.75, जो पूरा उत्तर लिखो फिर हल करो, आपके दोनों तरफ उत्तर सेम आएंगे। इसने कहा पॉइंट के बाद दो या तीन संख्या लेनी, इसलिए अगर दो या तीन संख्या लेंगे फिर याद करेंगे और पूरी संख्या लेकर याद करो, उत्तर दोनों ही रहेगा।